हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा है, किसी भी स्वेटर में आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, केवल 8 सिलाई का पैटर्न है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 सिलाई में बना है। फिर से हमें 4 सिलाई बनानी होती हैं सेम पैटर्न की जगह चेंज करके। फिर ये यहाँ से यहाँ तक 8 सिलाई बनी, 4 सिलाई में बना है। तो ये 4 और 4 8 8 सिलाई हुई, और 8 फंदों का ही ये पैटर्न है। तो हमें इसमें 8 8 8 8 इस तरह से फंदे लेने हैं, 8 8 के मल्टीपल में। तो उसके बाद हमें यहाँ पर रखने हैं लास्ट में, कितने फंदे रखने हैं लास्ट में हमें 5 और 1 6 6 फंदे इधर रखने हैं, और एक फंदा इधर हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो हमें 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, और दो फंदे एस्टिच के लिए लेने हैं। तो इस तरह से 8 के मल्टीपल में 7 फंदे ऐड करने हैं, और 2 फंदे एस्टिच के लिए लेने हैं। इस तरह से हमें इसमें फंदे लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 25 स्टिचेज हैं। ये 8 + 8 16 हुए, प्लस 7 23 + 2 25। तो अब यहाँ से हम ये पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। ये मेरी राइट साइड है, ये स्टिच है, ये मैंने स्लिप कर लिया। इससे आगे अगले वाला फंदा सीधा बुनेंगे, ये मैंने सीधा बुन लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदे इस तरह से फ्रंट साइड से एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 बना लिया। अब धागा इस तरह से लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा ऐसे लेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा, जाली बन जाएगी, और यहाँ पर इन फंदों को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 बना लेंगे बैक लूप से। तो हमने 2 का 1 बनाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 2 का 1, फिर 1 सीधा बनाया, फिर 1 बढ़ाया, फिर 2 का 1 बनाया। तो ये 5 फंदे हैं देखिए हमारे, 1 2 3 4 5 5 फंदे ये हैं। अब 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2 3। तो इस तरह से ये 8 फंदे हो गए। अब यही 8 फंदे इसमें रिपीट होंगे। 2 फंदों को फ्रंट साइड से एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, जाली बन जाएगी, 1 फंदा सीधा, अगेन 1 फंदा बढ़ाएंगे, जाली बन जाएगी, और इन 2 फंदों को ऐसे पलट कर एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3, फिर से रिपीट करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे फ्रंट लूप से, नीट 2 टुगेदर, यान ओवर, नीट 1, अगेन यान ओवर, SSK, स्लिप 1 एंड नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और अब यहाँ पर भी हम 1 फंदा सीधा बना लेंगे, और ये स्टिच है ये भी सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर, ये है रो नंबर 2। स्टिच स्लिप कर लिया, ये वाला फंदा अभी बुनेंगे नहीं, इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे। देखिए ऐसे नीट वाइज ये ऐसे स्लिप कर लिए। अब इन्हें सिलाई पर ले लेंगे दोनों को, और अब देखिए इधर से ऐसे, इधर से ऐसे सिलाई डालेंगे, और इन दोनों को ऐसे बुन लेंगे, 2 का 1 बना लेंगे पर्ल वाइज। ये 2 का हमने 1 बना लिया। अब 2 का 1 बनाया है, तो 1 यहाँ बढ़ाएंगे अब इस तरह से, और बीच में 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से यहाँ जाली बनाएंगे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, और 2 का 1 बनाएंगे पर्ल वाइज। फंदे सारे उल्टे बुने जाएंगे इस साड़ी, इस सिलाई में। ये देखिए अभी यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि यहाँ 3 फंदे थे, ये 1 मैंने इधर कम कर दिया और बीच में बढ़ा लिए। तो और अब बीच का 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब ये फंदा ये देखिए यहाँ पर हमने जब 2 का 1 बनाया था वही है ये फंदा। तो इन्हें इस तरह से स्लिप करेंगे नीट वाइज, और दोनों को इस तरह से सिलाई पर लेंगे, और उधर से सिलाई डालेंगे दोनों में, और दोनों को पर्ल वाइज एक साथ बुन देंगे। अब यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, फिर 3 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे।
ये कुर्ता बुनेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, इन्हें नीट वाइज स्लिप करेंगे और सिलाई पर लेंगे वापस और उधर से सिलाई डालेंगे। ऐसे दोनों को एक साथ बुन देंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से और दो का एक बना देंगे इस तरह से। और ये पल वाइज है, ये स्टिच है, ये हम उल्टा बुन देंगे। तो दो सिलाई हमारी हो गई है। अब आ जाते हैं राइट साइड में, तो देखिए ये स्टिच है, ये हम उतार देंगे। अब ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे, ये हमारी तीसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई है। ये देखिए तीन सिलाई हो गई है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर, ये चौथी सिलाई है, फोर्थ रो, ये पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। पर्ल ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो, चार सिलाई हमारी हो गई है। एक पैटर्न हमने ये पूरा कर लिया है, फिर से हमें रिपीट करना है जगह चेंज करके। अब ये वाला जो जाली वाला पैटर्न है, अब यहाँ पर बनेगा, ये जो तीन फंदे यहाँ बीच में है, और ये जो तीन फंदे हमने यहाँ सिंपल बुने थे, ये तीन फंदे यहाँ पर आएंगे। देखिए बीच वाला है, एक इसके इधर वाला, एक इधर वाला, ये तीन फंदे सीधे आएंगे। अब इससे इधर जाली बनेगी और इससे इधर जाली बनेगी, इन तीन फंदों पर, तो पांच फंदों पर। तो इससे इधर है हमारे पास दो फंदे, तो हमें क्या करना है, ये स्टिच है ये स्लिप कर लेंगे और अब यहाँ पर हम जाली बनाएंगे ऐसे, और ये दोनों फंदे ऐसे स्लिप करेंगे और इनको एक साथ बना देंगे, इनका एक बना लेंगे बैक लूप से। ये देखिए अब ये तीन फंदे जो है, ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। अब अगले पांच फंदों पर, ये और ये अगले जो पांच फंदे हैं, इन पर जाली बनेगी। दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे फ्रंट लूप से, यहाँ जाली बनेगी, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगेन जाली बनेगी, ये दो फंदे बैक लूप से बुनेंगे एक साथ, फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, यार्न ओवर, नीट वन, यार्न ओवर, एसएस के, स्लिप वन एंड नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, फिर से ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक बनाएंगे और यहाँ पर जाली बनेगी, स्टिच सीधा बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी रो नंबर 5। अब आ जाते हैं रो नंबर 6 पर, ये वैसे ही बनेगी जैसे रो नंबर 2 बनी थी। अब देखिए कैसे बनेगी, मैं आपको बताती हूँ। ये हमने स्टिच स्लिप कर लिया, ये फंदा बुनेंगे जाली वाला, और इस जाली वाले फंदे के बाद हमें यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाना है, जाली बनानी है, और ये दो फंदे हमें एक साथ बुनना है, एक बढ़ा लिया और एक घटा लिया, फिर ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब इन दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे और दो को एक साथ पल वाइज बुन देंगे इस तरह से, इधर से सिलाई डालकर। अब यहाँ पर फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और तीन फंदे बीच में उल्टे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से यहाँ पर दो फंदे स्लिप करेंगे और दोनों को एक साथ बना लेंगे पल वाइज, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये इस तरह से स्लिप करेंगे और दोनों का एक बना लेंगे दो फंदों का,
दो फंदों का मैंने एक बना लिया। अब यहाँ पर हम जाली बनाएंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा और ये हम उल्टा बुन लेंगे और स्टिच भी उल्टा बुन लेंगे। ये हो गई हमारी 6 सिलाई। अब आ जाते हैं राइट साइड पर, ये है रो नंबर 7। रो नंबर 7 सीधी, रो नंबर 8 उल्टी, तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी आएगी। दो सिलाई पर पैटर्न बनता है, दो सिलाई उल्टी सीधी आती है। तो ये सीधी और 8वीं सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 सिलाई हमारी हो गई है रो नंबर 8 ऑन रॉन्ग साइड। पर्ल ऑल स्टिचेस फॉर दिस रो, इस सिलाई में पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न ये बन गया है। ये देखिए दो तरह से लगता है, एक तो ये चमक रहा है पैटर्न और एक ये चमक रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा ये एक डब्बी बन गई है, स्क्वायर जैसा लग रहा है ये। तो इस तरह से जब ये 8 सिलाई आप बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न ये इस तरह से बन के आएगा। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।